Guys, what's up? Yeah, so जो मेरे वीडियोस देखते हैं और जिन्हें मेरी स्टाइलिंग और डिजाइनिंग और सारे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, तो थैंक यू सो सो मच दिल से। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके पास ढेर सारे कपड़े हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ढेर सारे कपड़े हैं? बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ढेर सारे कपड़े होने के बाद भी उन्हें लगता है कि ये कपड़े बोरिंग हैं, या फिर इवेंट के समय समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहनना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नैन सुख प्राप्ति नहीं होती है, नैन सुख प्राप्ति। एनीवेज, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपने कपड़ों से बोरियत हो चुकी है? तो मैं दो स्कार्फ से 10 लुक्स आपको दिखाने वाली हूँ। उनमें से एक दो माइनर चेंजेस हैं, बट मेजर चेंजेस बहुत सारे हैं एंड आई होप आपको पसंद आएंगे। सभी के सभी 2 मिनट में बन जाते हैं, सच वाला 2 मिनट, मैगी की तरह नहीं। तो मैंने ऊम फैक्टर ऐड करने के लिए 2 स्कार्फ्स का यूज़ किया है। आप चाहें तो 1 स्कार्फ भी यूज़ कर सकते हैं। और व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? क्रिसमस? सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको अपने 10 स्टाइल्स दिखाती हूँ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये काउल टॉप है, आई लव दिस स्टाइल। इट इज वेरी इजी बट एड्स दैट एक्स्ट्रा ग्लैम टू द लुक। स्कार्फ के दोनों एंड्स को अपनी डिजायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग टाई करिए, फिर बचे दोनों एंड्स को नेक पे टाई करिए। बीच के फैब्रिक को काउल शेप देना है एंड इट्स डन। दिस इज अ परफेक्ट स्टाइल टू चैनल योर इनर पू पू। सो वेयर दिस स्टाइल एंड आस्क योर सेल्फ, वो कौन है जिसने मुझे दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा? कैंसिल कर दो उसे। मेरे बैकग्राउंड और सराउंडिंग को इग्नोर करते हुए प्लीज़ मेरे नेक्स्ट टॉप डिज़ाइन पर ध्यान दें। ओह माफ़ कीजिए, आप मेरे बैकग्राउंड को देख ही नहीं रहे थे, लेकिन शायद अब देख रहे हो। एनीवेज, तो मान लीजिए आपको ग्रोसरी लेने जाना है बाज़ार। कंफ्यूज्ड? अभी तो कोरोना है, ये कोरोना मरता क्यों नहीं है? मर जाए, कीड़े पड़े इसमें ये। सो जस्ट सपोज कि आपको लेने जाना है ग्रोसरी और आपका क्रश वहाँ पे मिलने वाला है, और या फिर क्रश वहीं पर अवेलेबल है। तो अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए ये पहनिए। दिस इज रैप क्रॉप टॉप। पिछले वाले डिजाइन के फ्लोई फैब्रिक को क्रिस क्रॉस वे पे टक करना है, बस इतना सा काम है। इट्स अ सिंपल बट इम्पैक्टफुल स्टाइल। अब हम पेश करने जा रहे हैं क्वीन एंड स्क्वायर नेक टॉप। नहीं, मैंने ये लाइन विश से कॉपी नहीं की है, प्लीज लीव मी अलोन। ये नाम काफी ग्रैंड फीलिंग दे रहा था एंड आई एम ऑल फॉर इट। जैसा नाम वैसा काम। इट्स अ मिक्स ऑफ 2 स्टाइल्स एंड इट शोज। ट्रायंगल शेप्ड एंड को आप टक भी कर सकते हैं अगर आपको सिमेट्रिकल लुक चाहिए। इट्स नॉट बिकनी टॉप। नॉट बिकनी टॉप नहीं, नॉट बिकनी टॉप। क्या यार गुप्ता जी, देखिए मैं कह रहा हूँ ना गुप्ता जी, देखिए कर रहे हैं गुप्ता जी आप। नॉट बिकनी टॉप, बहस मत करिए, देखिए बात मानिए। नॉट बिकनी टॉप गुप्ता जी, देखिए फिर वही बात कर रहे हैं आप गुप्ता जी, फिर वही बात कर रहे हैं। नॉट बिकनी टॉप, KNOT, नॉट बिकनी टॉप। मुझे ये स्ट्रैप कूल लगता है, लेकिन आप इसके नीचे कोई भी स्ट्रैप पहन सकते हैं। एनीथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स द फैब्रिक दैट यू आर यूजिंग। बेसिकली आपको इस स्कार्फ को एक पतले स्ट्रैप की तरह बैक से रैप करते हुए एडजस्ट करना है, जिससे कोई लूज एंड्स ना दिखें। फ्रंट में ब्राई स्पेगेटी में शेप के अकॉर्डिंग टक एंड सीलिंग करना है। एंड्स में सिंपल नॉट लगानी है। It's a sexy look for a sexy girl.
परफेक्ट बीच लुक। तो इसी लुक में थोड़ा सा टिगड़म करके हम और भी क्यूट बो बिकनी टॉप बना सकते हैं। उस नॉट को अच्छे से गैदर करके उसका बो बना लेते हैं, वैसे ही जैसे हम बचपन में शू लेस इसके साथ करते थे। करते तो अभी भी हैं, लेकिन अभी इतना क्लीन लुक नहीं होता ना यार। बचपन में नया नया सीखा था तो शौक था। तो ये भी बीच के लिए परफेक्ट है। क्रॉस ओवर ऑल्टर, ये भी पोर्ट डिजाइन का डेरिवेटिव है। क्या नॉट लुक आपके लिए ज्यादा मैसी है? क्या बो स्टाइल आपके लिए ज्यादा मुशी है? प्रेजेंटिंग टू यू अनदर इजी डिजाइन। नॉट एंड्स में से कोई भी एक जो भी आपको कम पसंद आ रहा हो, जस्ट किडिंग, जो भी ज्यादा लंबा हो उसे ब्रा या स्पेगेटी या जो भी आपने बेस के रूप में यूज किया है उसके अंदर स्लिप करके दूसरे एंड के साथ नेक के अराउंड टाई करना है। ये कुछ कंट्रोल्ड लुक है। इट कैन गो एनीवेयर यू वांटेड टू। सो ये डिजाइन है क्रिस क्रॉस हॉल्टर। आई नो यही समय था स्कार्फ चेंज करने का। कितनी बार वही स्कार्फ यूज करूंगी मैं। तो ये है क्रिस क्रॉस हॉल्टर्स। Sweetheart to top. This is my absolute favorite style. Mostly because ये हर setting में जा सकता है थोड़ी कोशिश करने पर। I'm very extra with my outfits, so this works for me in every situation. But अगर आप specifically एक setting में चाहते हो तो ये night outs के लिए optimal है। बस previous design में थोड़े से alternations करने पर you will get sheer alter. I have tied knots, back पे बड़ा बो knot और neck पे छोटा। Sorry, मैं उसका short नहीं ले पाई। आपको scarf के half portion को randomly grab करके chest cover करके back पे tie करना है। बचे हुए दोनों ends को sheer look देते हुए neck पे knot लगाना है। मैंने इसके loose ends insert नहीं किए हैं because मुझे इसका messy look चाहिए था। कोई भी party या preferably evening या night parties के लिए ये perfect है। वैसे अब कहाँ ही बच्चे हैं, बट आई एम होपफुल एंड आई होप कि आप लोग भी होपफुल हो। क्यों मैंने इतने पैसे बर्बाद किए क्रॉप टॉप पे? ओके। अगर आप चाहते हैं कि YouTube पे दे हुए इन वीडियोस की मैं स्लोमो वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मेरे Instagram अकाउंट पर चल रहे क्विज एंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए एंड विन अ प्राइज। मेरे अकाउंट की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। बाय बाय।